एक बार नारद मुनि के बहकावे में आके माता लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती ने त्रिदेव को ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुआ की पतिव्रता की परीक्षा लेने को कहा था। शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी साधु के वेश में आकर अनुसुआ से भिक्षा मांगी और ये भी कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और कहा कि यदि मेरा पतिव्रता धर्म सत्य है तो ये साधु 6-6 महीने के शिशु हो जाएंगे। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु बन गए और रोने लगे। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो तीनों देवियां अनुसुआ के पास आईं और क्षमा मांगी। तब देवी अनुसुआ ने त्रिदेव को अपने पूर्व रूप में कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। श्री दत्तात्रेय ने लाखों वर्षों तक लोक कल्याण के काम किए थे।